माशाल्लाह आका दी बारगाह बड़ी अच्छी हाजिरी पेश कर रहे हैं। तो तिलावत के लिए कारी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो चंद अशार इसलिए पढ़ूंगा कि आका की महफिल है तो इसमें हमारी हाजिरी हो जाए, तो पता नहीं कब्र सोनी बन जाए, बस मकसद ये है। तो आप भी महफिल में आए हो, तुसी भी कोई ना कोई मकसद ही लेके आए हो कि यार गए हैं तो कोशिश करो कि आज एक दो घंटे आप बहना है, क्योंकि रोजाना तो नहीं बहते ना, तो अज का कोई ना कोई सबक लाजमी ले जाओ। जिंदगी का पता कोई नहीं, रोजाना हादसे वाकयात सुनते ही हो, सो रोजाना ही वेखते हो, सो कि किन्ने किन्ने बादशाह अमीर दौलत ले ना रहे। जिंदगी का पता कोई नहीं, जिंदगी का जेड़ा मकसद है ना उस ते चलो, बे मकसद जिंदगी का कोई फायदा ही कोई नहीं। ते सारे जोक नाल बैठे हो, ते मैं कारी साहब नूं देवण तो पहले चंद अशार तुहाडा जोक चेक करे सां। अशार की कीमत है कि अज आए हो तो जेड़ा तुहानूं अशार पसंद आ जाए, अल्फाज पसंद आ जाए, तो तुसी सिर्फ सुभान अल्लाह कहना, हाथ चुक के कहना है, ते थोड़ा जिया एक्टिव होके बैठना है। खाना शाना तो खा के आए हो सुना सारे कि लंगर की तंग च बैठे हो, चलो कोई नहीं, लंगर की भी टाइम दूर कोई नहीं, वह भी बड़ा जल्दी आया, क्योंकि तुहानू पता है कि जिंदगी का पता कोई नहीं। कल छोटे छोटे आ सो ना आप, तो अज ये उम्र हो गई, टाइम इवें ही गुजरता है, पता नहीं चलता। तो अब मैं शेर पढ़ूंगा, पता 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 तेरे होने का पता देता है, पता पता तेरे होने का पता देता है, जर्रा 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 तेरी वहदत की सदा देता है, जर्रा जर्रा तेरी वहदत की सदा देता है, तेरे इन बंदों के लिए तेरे इन बंदों के लिए तेरी जात रहमान है मेरे मौला, तेरे इन बंदों के लिए तेरी जात रहमान है मेरे मौला, देख के मेरे ऐबों को छुपा लेता है, देख के मेरे ऐबों को छुपा लेता है, हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद, जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद, जाते नबी बुलंद है कारी साहब, जाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने भी लोग, मैं सबको मानता हूँ, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। तो अब मैं कारी उल कुर्रा जीनत उल कुर्रा फख्र उल कुर्रा हमारे भावलपुर की आन मान शान जान, तो उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया, अपनी मसरूफियात से टाइम निकाल कर है, और आका की महफिल में अपनी हाजिरी को यकीनी बनाया। तो जनाब इनके जो बड़े भाई थे कारी अब्दुल समद साहब, वो कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं आ सके, तो ये उनके छोटे भाई हैं जनाब कारी असद सतार साहब, कारी असद सतार साहब, इनके जो वाले साहब हैं वो की रात में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। गोल्ड मेडल तो पता उसी ना कि जेड़ा सब तू टॉप पोजीशन ते किरात जो वे, तो माशाल्लाह बड़ी खुशी दी गल के उन्होंने जेड़े पुत्र ने वो भी सारे कारी ने, अल्लाह यो जे पुत्र देवे सारेनु आमीन। तो अब उनको दावा देने से पहले मैं आपका शौक चेक करूंगा कि आपने जवाब देना, नाराय तकबीर नाराय रिसाल नाराय तकबीर नाराय रिसाल नाराय खिलाफ नाराय हैदरी नाराय हैदरी।